टॉप 5 वेज टू मेक मनी विद जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने के मैं यहाँ पर पांच तरीके बताने वाला हूँ दोस्तों। फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। फिफ्थ है दोस्तों यहाँ पर सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों? ई बुक हो गई, टेम्पलेट्स हो गए, कोर्सेज हो गए, वर्कशीट हो गई। कोर्सेज में दोस्तों कहीं आप टीचर हो तो आप ट्यूटोरियल वैसे बना के वो कोर्सेज बना के बेच सकते हो। आप कोई इन्फ्लुएंसर हो या आप कोई डिजिटल मार्केटियर हो तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बना के बेच सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी विद जीरो इन्वेस्टमेंट। फोर्थ है दोस्तों यहाँ पर बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप दोस्तों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या आप यूट्यूब पर आप अपना पेज बनाइए, अपना कंटेंट डालते रहिए, अपनी लॉयल ऑडियंस गैदर कीजिए, ठीक है। एक बड़ा कस्टमर और सब्सक्राइबर बेस होने के बाद यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। पीपल लोग यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कमा। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं दोस्तों, पूरी डिटेल से मैंने समझाया। आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके उन वीडियोस को देखिए दोस्तों। ड्रॉप शिपिंग में आपको कुछ नहीं करना, दूसरों के माल को बेचना खुद के नाम से और बीच में आपको जबरदस्त कमीशन कमाना है। सेकंड है दोस्तों यहाँ पर फ्रीलांसिंग में दोस्तों आप अपनी सर्विसेज, आपकी जो क्वालिटीज है, आप जिन चीज़ों में एक्सपर्ट हो, वॉइस ओवर हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, तो आप अपनी सर्विसेज को दूसरे लोगों को बेचकर इस टाइप की कई सेवाएं आप प्रोवाइड कराकर आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पर आपको काम भी मिल जाएगा कि ठीक है जिस बंदे को काम की रिक्वायरमेंट है वो वहां पर मिल जाएगा और आप अपनी एक्सपर्टीज को वहां पर शोकेस कीजिए, लोग आपसे कनेक्ट होंगे और आपको फ्रीलांसिंग सर्विसेज का पैसा देंगे। और नंबर वन है दोस्तों यहां पर प्रमोशन एंड मार्केटिंग में कुछ नहीं करना दोस्तों, दूसरों के प्रोडक्ट को, दूसरों की सर्विसेज को आपको प्रमोट करना है, डिजिटली प्रमोट करना है दोस्तों, ठीक है। डिजिटली प्रमोट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका प्रमोशन पहुंचने की चांसेस रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन होने के चांसेस रहते हैं।